ये गेट 2011 में आया था इसी स्ट्रीम के लिए. द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के एक्स, एंड यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है वाई जीरो इक्वल टू सी इज, एंड फोर सोल्यूशन आर प्रोवाइडेड हियर. तो चलिए ये मैथ को सॉल्व करते हैं. तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू के वाई, क्लियर. तो डी वाई के नीचे वाई को हम ले लेते हैं और के डी एक्स ले लेते हैं. अब इंटीग्रेशन लगा देते हैं. तो ये वाला लॉग वाई आ रहा है और यहाँ से के बाहर जा रहा है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मतलब एक्स प्लस प्लस यहाँ पे कि क्या कांस्टेंट ले, कोई भी एक कांस्टेंट ले लेते हैं कि सी एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे वाई ज़ीरो इक्वल टू सी दिया हुआ है, मतलब वाई ज़ीरो इक्वल टू सी मतलब एक्स जब ज़ीरो होगा तो मतलब वाई ज़ीरो इक्वल टू सी दिया हुआ है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब एक्स आपका ज़ीरो है तब वाई आपका सी है. तो यहाँ से लॉग सी और एक्स ज़ीरो इसको तो सी वन ले लेते हैं, हम लोगों का आसान होगा. यहाँ पे एक्स ज़ीरो हो जाता है तो ये मल्टीप्लिकेशन करके ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पे सी वन, क्लियर. ये वाला नंबर वन इक्वेशन है, ये वाला नंबर टू इक्वेशन है. अब वन और टू इक्वेशन में सी वन के जगह पे ये वैल्यू बैठा के हम लोगों का क्या आ रहा है देखते हैं. लॉग लॉग वाई इक्वल टू के एक्स प्लस लॉग सी, क्लियर. लॉग सी, ठीक है. तो ये लॉग, तो लॉग वाई माइनस लॉग सी इक्वल टू के एक्स. तो लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला, सो लॉग वाई बाई सी इक्वल टू के एक्स. अगर हम लॉग को रिमूव कर देते हैं यहाँ से उठा देते हैं तो ई टू दी पावर के एक्स यहाँ पर सेट हो जाएगा. तो वाई इक्वल टू सी ई टू दी पावर के एक्स, वाई इक्वल टू सी ई टू दी पावर के एक्स, वाई इक्वल टू सी ई टू दी पावर के एक्स. मतलब ये आपका, मतलब ये आपका सही आंसर है, मतलब आपका आंसर होगा सी, क्लियर.